दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मैं अजूबा। ये माबली शेरा की कॉमिक्स है। एक्शन एडवेंचर फैंटेसी जादुई होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। मैं अजूबा। वन का एक ऐसा घना हिस्सा जहां सूर्य की रोशनी भी पहुंचने में असमर्थ हो। वहां किसी मनुष्य की आवाज सुनाई देना एक आश्चर्य ही है। बचाओ! और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है उस पुकार को सुनकर किसी का मदद के लिए दौड़ा चला आना। ठीक है, लगता है कोई मुसीबत में है। मुसीबत नहीं, मौत के मुंह में जा फंसाता चीखने वाला। दूर हटो दरिंदो। लेकिन इससे पहले कि मौत उसे अपने आगोश में ले पाती, हवा में बिजली की तरह लहराया एक साया जो मौत के लिए मौत बन गया। यह अद्भुत कमाल था शेरा का। खच सूरवीर दुस्साहसी जांबाज माबली शेरा का। शेरा ने सारा देकर उठाया धरती पर घायल पड़े आदिवासी युवक को। अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो तुम सोनारा कबीले के सरदार मोनार्क के पुत्र कोनार कौन है? जी माबली, आपने मेरे प्राण बचाए। माबली, आज रात मेरा आतिथ्य स्वीकार कर मुझे कृतज्ञ होने का मौका दीजिए। कैसी बातें करते हो कोनार्क, तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करता मुझे खुशी होगी। कोनार के साथ सुनारा कबीले की ओर चल दिया शेरा। संभल कर मावली, पुराना पुल है, कहीं हमारे बहुत से टूट न जाए। चिंता न करो कोनार, सावधानी से आगे बढ़ रहे थे दोनों। लेकिन वही बात जिसका डर था, कड़ाक। लेकिन दोनों कोई साधा निशान तो थे नहीं जो मौत इतनी आसानी से उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ लेती। लेकिन इसका क्या किया जाए कि मौत अब भी मुंह फैलाए खड़ी थी। रस्सी कसकर थामे रहना कोनार्क, यदि दीवार से टकराने पर पकड़ छूट गई तो हमारी मृत्यु निश्चित निश्चित है। मैं समझ गया मावली। लेकिन अगले पल उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब धौड़ उफ आह वे पहाड़ के पेट में छिद्र करते हुए अंदर जा गिरे। हैरानी के सागर में डूब गया शेरा। हे देवता, यह कैसा चमत्कार है! पहाड़ी के गर्भ में कल कल बहती है नदी, हवा में उड़ते पक्षी, कैसी रहस्यमय दुनिया है यह। कोणार्क, तुम्हारा कबीला तो सैकड़ों वर्षों से इस क्षेत्र पर राज्य कर रहा है, क्या तुम इस रहस्यमय नगरी के विषय में कुछ जानते हो? नहीं बाब माबली, मैंने आज तक कबीले में किसी को ऐसे किसी भी नगरी के विषय में चर्चा करते नहीं सुना है। तो तब तो हमें इस रहस्य से पर्दा हटाना होगा। दोनों चल पड़े गुफा की ओर। आओ देखते हैं कौन है इस रहस्यमय दुनिया के वासी। शीघ्र ही उन्होंने विशाल नदी पर बने उस अद्भुत पुल को पार कर उस रहस्यमय गुफा में प्रवेश किया। माबली, है तो किसी मंदिर का प्रवेश द्वार लगता है। ठीक आत्मने, आओ आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए उस राहदारी में कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था शेरा। कोनार्क, मुझे यहाँ किसी खतरे का आभास मिल रहा है, सावधान रहना। जी मावली। निर्मूल नहीं था शेरा का भय। खट अचानक वातावरण में गूंज उठी थी एक हल्की सी सरसराहट। यह आवाज एक पल के लिए आवाज की दिशा में घूमी शेरा की निगाह। गड़गड़, हे देवता! और दूसरे पल शेरा और कोनार्क जान बचाने के लिए भाग पड़े थे। बचो कोनार्क! गड़गड़गड़। बाल बाल बचे थे शेरा और कोनार्क मौत के मुंह में जाने से, अन्यथा ऊपर से गिरने वाली व्यापारी भरकम कम चट्टाने उन्हें पीस कर रख देती। गुफा में गिरने वाली भारी चट्टानों से उत्पन्न धमाकों ने सतर्क कर दिया था किसी को। ये आवाजें, लगता किसी भारी प्राणी ने प्रवेश किया मंदिर में। देखना होगा कौन है वह। यहाँ तो केवल यह चीते की प्रतिमा रखी है। दूसरी ओर शेरा और कोनार्क जा पहुंचे थे मंदिर के मुख्य कक्ष तक। यानी इतने सारे सुरक्षा इंतजाम केवल इस मूर्ति की रक्षा के लिए थे। तब तो यह मूर्ति अवश्य ही चमत्कारी होगी। उत्सुकता में डूबे शेरा ने उठा ली वह विचित्र प्रतिमा। इसी के साथ एक भयानक चित्कार से कांप उठी मंदिर की मजबूत दीवारें। गुर्र, चौंक उठे थे माबली शेरा और कोनार्क आवाज के स्वामी को देखकर। वो यह तो इस प्रतिमा का रक्षक लगता है, परंतु यह हमें रोक नहीं पाएगा।
अगले पल शेरा ने दिखाया अपने पराक्रम का एक शानदार जोर। खच और बेमौत मर चुका था दरिंदा। आओ अब देखे क्या रहस्य छिपा इस प्रतिमा में। तुम सचमुच मावली हो मावली। कहाँ फूटा था यह रहस्यमय इंसान मंदिर या प्रहरी का भयानक असर देखकर। उफ प्रतिमा के प्रमुख रक्षक गुरालो को भी समाप्त कर दिया इन्होंने। अब इन्हें प्रतिमा ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे फौरन सम्राट चितेश को सूचना देनी होगी। उधर दोनों मामले कोशिश कर रहे थे कि उस अद्भुत प्रतिमा का राज जानने की। कुछ समझ में नहीं आता क्या रहस्य छिपा हो सकता है इस प्रतिमा में। इसे अपने साथ ले चलते मामले, शायद बाद में कुछ पता चल जाए। ठीक है तुमने, यही बेहतर रहेगा। मूर्ति लेकर दोनों सोनारा कबीले की ओर रवाना हो गए। इधर मंदिर में वह रहस्यमय शख्स तीव्र गति से बढ़ रहा था मंच की ओर। अच्छा हुआ उन्हें चीता नगरी के गुप्त रास्ते का पता नहीं चला, वरना अनर्थ हो जाता। मंच पर पहुंचा वह और इस तरह ऊपर चढ़ता चला गया मानो सीढ़ियां चढ़ रहा हो। कुछ ही देर बाद वह इस अद्भुत नगरी में प्रवेश कर रहा था। काले चीतों की अद्भुत नगरी। इधर सोनारा कबीले में। वाह कोनार्क, आज की दावत खूब लजीज रही। मैंने तो मजे मजे में इतना खा लिया कि बड़े जोरों से नींद आने लगी है। आपकी अच्छी नींद के लिए मुलायम बिछौनों का भी प्रबंध किया जा चुका मावली। बहुत खूब, फिर तो मैं चला सोने। कुछ देर बाद शेरा गहरी निद्रा में डूब चुका था। दूसरी ओर इस विचित्र नगरी के राजमहल में गूंज रही थी आश्चर्य में डूबी कुछ आवाजें। क्या कह रहे हो मधोक, चीता राज की प्रतिमा चोरी हो गई और तुम कुछ नहीं कर सके? उनकी शक्तियों का मुकाबला करना मेरे बस में नहीं था महाराज, वरना सेवक अपनी जान पर खेल कर भी उन्हें रोक लेता। फिर मधोक सब कुछ सम्राट चितेश को सुनाता चला गया। पूरी बात सुनकर परेशान उठे सम्राट चितेश। कौन हो सकते हैं वे आदिवासी युवक और क्यों ले गए हैं वे चीताराज की प्रतिमा को? वे जो भी हो महाराज, हमें हर हाल में उन लोगों से चीताराज की प्रतिमा वापस प्राप्त करनी होगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। आप ठीक कहते सेनापति जी, चलने की तैयारी कीजिए। कुछ ही देर में सम्राट चितेश अपनी सेना के साथ सोनारा कबीले की ओर बढ़े चले जा रहे थे। इधर दूर कहीं घने वन में स्थित इस रहस्यमय खौफनाक महल में गूंज उठा था ठाकुर की आवाज। हा, आजाद हो गया चीताराज चीता नगरी से। लेकिन स्वामी यह चमत्कार हुआ कैसे? यह तो मैं भी नहीं जानता ग्लोट, लेकिन वह देखो खोपड़ियों में प्रज्वलित हुई मृत्यु अग्नि गवाह है कि चीताराज चीता नगरी से बाहर आ चुका है। यही वह स्वर्णिम अवसर है ग्लोट, जिसका मैं बरसों से इंतजार था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे तुम्हें क्या करना है? कुछ देर तक लौट से कुछ कहता रहा मंगोड़ा, तत्पश्चात अजगर महल में कुंडली मारकर बैठ गया रहस्यमय सन्नाटा। आज रात ही होगा यह काम। यह तो निश्चित ही था कि अजगर महल में बुनी जा रही भयानक साजिश अपने साथ लाने वाली थी भयंकर तबाही। हा, सम्राट चितेश तबाही को आखिर रोक नहीं पाए ना तू, तबाही तो अब आएगी ही, किंतु कब और किस रूप में आनी थी यह तबाही? किसी काले नाग सा फन फैलाए सोनारा कबीले पर फैला था रात का अंधियारा, किंतु कबीले के मध्य स्थित इस झोपड़ी में मानो अंधेरे की धज्जिया उड़ाकर रखे दे रहा था आंखें चुंधिया देने वाला यह प्रकाश। हा, आजाद हूं मैं आजाद, अपनी आजादी का जश्न मनाऊंगा आज। अगला पल सोनारा कबीले के इतिहास का सबसे रोमांचकारी व भयानक क्षण था। गुर्र गुर्र बड़ा झोपड़ी से मौत का रूप धर बाहर निकलने वाले थे ये तीन काले चीते। काले चीतों के रूप में एक जलजलाई तो आया था कबीले के इस निरीह परिवार पर। सीख भी तो नहीं पाया था वह मासूम कि मौत लील गई उसे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने के लिए जिंदा कहां छोड़ा था काले चीतों ने उसकी माँ को भी। मावली जंगल की कहावत कुत्ते से भी तेज है शेरा के कान। किसी स्त्री के चीखने की आवाज थी,
यह अवश्य कोई मुसीबत में है, कोई मुसीबत में और सिरा चुप बैठा रहे, ऐसा कभी हुआ है भला? मेरा हथियार बनेगी यह मशाल। मुसीबत के क्षणों में वाकई शेरा की फुर्ती देखने लायक होती है। उधर उधर से आई थी चीख की आवाज। इसी पल शेर की सी पर चिपक कर रह गई थी शेरा की शेर सी आंखें। वो रा शैतान। यह था गलोट जो मंगोड़ा के आदेश पर प्राप्त करने आया था चीताराज की प्रतिमा। मुझे शीघ्र चीताराज की मूर्ति हासिल कर यहां से भागना होगा। इसी पल गलोट के सामने चट्टान बनकर आ खड़ा हुआ शेरा। इससे पहले कि मसाल तेरे मुंह में ठूस दूं, बता कौन है तू? शेरा शेर से गुर्राट थी शेरा के शौर में। बहुत कमाक बैठा था शेरा गलोट की ताकत। मेरा जवाब यह है बंदर, दौड़। जिस फुर्ती से पीछे गिरा शेरा उसी तेजी से उछलकर गलोट से टकराया भी। शेरा पर हाथ उठाकर तूने अपनी मौत को दावत दिया बालक। गलोट के रास्ते जो से हटचा शेरा, गलोट ने जो चाहे उसे पाया है। और आज चीताराज की प्रतिमा लेकर ही जाएगा गलोट। चीताराज तो यह चीताराज की प्रतिमा है। आखिर क्या इस चीताराज की प्रतिमा में ऐसा? इस सवाल का जवाब अब तुझे ही देना होगा। और तभी गलोट ने दिखाया अपना अनोखा कमाल। गलोट की ताकत से अभी तू वाकिफ नहीं है शेरा। ओ पूरी तरह जकड़ गए हैं मेरे पांव। इसी पल शेरा के हाथ में आई यह मसाल। पलक झपकने से पूर्व हुआ था यह कार्य। शू आह स्वामी मदद मदद, वापस बुला लो मुझे। आह आग की लपटों से गिरकर रह गया गलोट। अगले पल चेहरा ने देखा है अपने जीवन का एक हैरत अंगेज कारनामा। नहीं, यह सब कैसे और कौन कर रहा है? कुछ ही क्षणों में उस झोपड़ी के निकट मौजूद थे शेरा और कोनार, जहां कुछ समय पहले आया था जलजला। गुजरा था एक भयानक तूफान। उफ, किस पाशविक तरीके से बबोर डाला गया है इन्हें। लगता है जैसे सैकड़ों जंगली जानवरों ने एक साथ आक्रमण किया हो इन पर। क्या गलोट ने किया होगा ऐसा? मावली, उसमें कुछ प्राण शेष है अभी। लगभग झंझोड़ कर रख दिया था शेरा ने उसे। बोलो दोस्त, किसने किया तुम्हारे ये हाल? कौन है वो बेरहम? अपनी सांसें टूटने से पहले उसका नाम बता दो मुझे। अपने अंतिम सांस के साथ ही उसकी जुबान से निकला एक नाम, काले चीते। शेरा के दिमाग की एक नस झंझोड़ गया यह नाम। काले चीते, काले चीते, किसी गन की सी चोट कर रहा था यह शब्द कोनार के मस्तिष्क में भी। शेरा का दिमाग अंतरिक्ष में भटकता छोड़ गायब हो गया था गलोट। गलोट के पीछे वैसे कोई ताकत कार्य कर रही है? गलोट तो सिर्फ हुक्म का गुलाम है। मावली, मावली आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कोनार्क, किंतु वह शैतान मेरे हाथ से निकल गया। शैतान? हाँ, चीताराज की प्रतिमा चुराने आया था वह, किंतु गलोट की चीताराज की प्रतिमा में क्या दिलचस्पी हो सकती है? ओ तो चीताराज है उस प्रतिमा का नाम, यानी गलोट जानता था चीताराज की प्रतिमा का रहस्य। हम इसे जितना सुलझाना चाहते हैं उतनी उलझती जा रही है यह पहेली। अब यह पहेली सुलझा कर ही दम लेगा शेरा। कहीं और किसी के मस्तिष्क में भी हुई थी गंदगी सी चोट। एक बार फिर दोहरा वही शब्द जो अभी भी कहकर चुप हुआ है तू। मंगोड़ा को तेरे शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ रे। यह सच है स्वामी, चीताराज की प्रतिमा और मेरे मेरे बीच चट्टान बनकर आ खड़ा हुआ था शेरा। मेरे कारण आपको ऐसे पल होना पड़ा स्वामी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आह, देखते देखते टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था ग्लोट, मानो किसी ने कोयले पर हथौड़ा मारा हो। जैसे हकबकाया सा मंगोड़ा देखता रह गया अपने वफादार सेवक की लाश के कोयला हुए टुकड़े। ओह गलोट, मैं जानता था कि अत्यधिक जल जाने की वजह से तुम जिंदा नहीं बचोगे, पर अब जीवित नहीं रहेगा तेरा हत्यारा भी। उसे अपने किए की सजा मिलकर ही रहेगी। अपनी राह में और अधिक कांटे नहीं बोने दूंगा मैं उसे। बिजली सी कड़कड़ाहट थी मंगोड़ा की आवाज में, जो कड़कड़ा गई अजगर महल का कोना कोना। अपनी चंद सांसें पूरी कर ले शेरा, कल की रात तेरे लिए पल्ले की रात होगी। गलोट की तरह टुकड़े टुकड़े होना होगा तुझे भी। इधर रहस्यों की अनसुलझी गुत्थी सुलझाता शेरा। चीताराज की प्रतिमा चुराने आई गलोट ने ही
इस झोपड़ी की छत फोड़ डाली होगी। देवता की कृपा से चिताराज की प्रतिमा सुरक्षित जमाबली, किंतु आज रात इसे दोबारा चुराने का प्रयास हो सकता है। नहीं, अब शेरा की गिद्ध जैसी निगाहें अर्पल प्रतिमा पर रहेगी। बाकी सभी योद्धा सोनारा कबीले के चारों ओर फैल जाएं। आज की रात परिंदा भी पड़ने मार मार पाए सोनारा कबीले में। सोनारा कबीले के चपे चपे पर तैनात हो गया कबीले का बच्चा बच्चा। माबली का आदेश है परिंदा भी पड़ने मार पाए कबीले में। हमारी लाश पर से गुजरकर चीताराज तक पहुंचेगा शैतान। दम साधे रात भर इंतजार करते रहे कबीलेवासी, किंतु शैतान तो क्या, चिड़िया का बच्चा भी नहीं आया वहां। सूर्योदय होने वाला, अब कोई डर नहीं। थोड़ी देर में सूर्य की रश्मियां बिखर पड़ी थी सोनारा कबीले पर। मावली, क्या आपने सचमुच जाने का निर्णय कर लिया है? हाँ सरदार, मुझे सोना के जंगलों में जाना ही होगा। सोना के जंगलों का पत्ता पत्ता मुझे याद कर रहा होगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो मावली, ले चलो। न जाने कैसी कसी थी कोनार के शब्दों में कि इनकार न कर सका शेरा। ठीक है दोस्त, तुम मेरे साथ चलोगे? चल पड़ा शेरा। जब तक मैं चीताराज की प्रतिमा का रहस्य न जान लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। काश एक दिन और रुक जाता शेरा, क्योंकि अब आना था सोनारा कबीले में भयानक तूफान। सोनारा के हर व्यक्ति की निगाह टिकी रह गई वहां, जहां कुछ असंभव सा घटित हुआ था। असंभव ही तो था यह, अत्यंत विस्मयकारी और होश उड़ा देने वाला। यही है सोनारा कबीला। गोले में से एक एक कर बाहर निकलने वाले शख्स धरती के तो कतई नहीं थे। इसी कबीले में मिलेगी चीताराज की प्रतिमा। अजीब सा कंपन था सम्राट चितेश की आवाज में। मुझे चीताराज की प्रतिमा चाहिए, ना करने से पहले हजार बार अपना अंजाम सोच लेना। यदि यह कबीलावासी जानता सम्राट चितेश की ताकत, तो कभी न करता ऐसी नादानी। यहां से तू जिंदा लौट कर नहीं जाएगा शैतान। सम्राट चितेश तक कहाँ पहुंच पाया यह बाला? सम्राट चितेश पर हमला कर अपनी मौत बुला ली तूने। सोनारा कबीले पर मौत बनकर टूट पड़े थे चीता नगरी के सैनिक। उफ, माबली ये जाती है, कैसी मुसीबत टूट पड़ी हम पर। आह बचाओ, इससे पहले की कहर बरपा कर रखते थे सम्राट चितेश के सैनिक। गिड़गिड़ा उठा मोनार्क। रोक लीजिए अपने सैनिकों को सम्राट, मत बरपाइए सोनार पर कहर। चीताराज की प्रतिमा यानी है, उसे कल रात को शैतान चुरा ले गया। सम्राट चितेश की आंखों में टपक उठा घोर आश्चर्य। क्या? मैं सच कहता हूँ सम्राट, वह मूर्ति न जाने कौन आदिवासी हमारे कबीले में छोड़ गया था। कल रात ही वह चोरी हो गई। यदि चीताराज की मूर्ति न मिली तो घोर अनर्थ हो जाएगा। कहीं कहीं वह मूर्ति मंगोड़ा के हाथों में न पड़ जाए। सम्राट चितेश की आंखों में नाच उठी थी घोर निराशा। उससे वैदिक सरदार मोनार्क की आंखों में नाचा था घोर आश्चर्य। मंगोड़ा? हाँ, चीता नगरी का बहुत बड़ा अपराधी है वह शैतान। चीता नगरी बहुत कर्ज बाकी है उस दुष्ट पर, किंतु पृथ्वी पर आकर न जाने कहाँ छुप गया है वो शैतान। हमें चीताराज की प्रतिमा उसके हाथों में जाने से रोकनी होगी। इधर अपने ऊपर मंडराते खतरे से अनजान शेरा और कोनार्क एक जगह रुक कर उतार रहे थे सफर की थकान। सोना जंगल पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाएगी कोनार्क, थोड़ी देर झील के ठंडे पानी में नहाने से तरोताजगी मिलेगी। इसी पल कोनार के मुंह से निकली चीख थर्रा गई शेरा का जिस्म। आह मावली, किसी ने पानी में मेरे पैर पकड़ लिए हैं। पलक भी तो ने झपका पाया था शेरा कि पानी में भूत की तरह गायब हो गया कोनार्क। कोनार्क, कोनार्क, पगला सा चीखता रह गया शेरा, किंतु कहाँ था कोनार्क जो सुन पाता उसकी चीखें। अगले पल पानी में हुई कुछ हलचल। यह कौन निकलने को बेताब हो रहा था झील से, जिसे देख पथरासी गई शेरा की आंखें। अगले पल पानी को कई मीटर ऊपर उछालता झील से बाहर निकला था वह मौत का परकाला। पापा पानी कहते हैं मुझे, बड़ा मास है रे तेरे शरीर में, ला यह मास मुझे दे दे। कोनार कहाँ कमीने? शेरा के सवाल का यह कैसा जवाब जवाब दिया पापा पानी ने। उस सुंदर का की फिक्र छोड़ बालक, मेरी भूख मिटाने का इंतजाम कर। ओ, किसी डॉल्फिन सा ढेरों पानी उछलता पानी में, पानी
समा गया सिरा छपा। जंगल की कहावत मुसीबत के सनों में शेरा की फुर्ती देखने लायक होती है। तो आपा पानी तुझे पानी में दफन कर दूंगा कमीने, तू जैसे क्रूर शैतानों ने ही छीन लिया था मुझसे मासूम पिंगल को भी। पिंगल के बारे में जानने के लिए पढ़े शेरा और देवता का ताज। ये कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, मावली शेरा का फोल्डर है उसके अंदर। काश एक दूसरे पर शेर से झपटते हैं वे दोनों, नजरें घुमाकर जरा देख लेते इधर भी। मुसीबत उस पर मुसीबत, इस आदिवासी ने मुझे चीता नगरी से आजाद करवाया था, मुझे इसकी मदद करनी होगी। यह कैसा जलजला सा फूट पड़ा था चीता राज की प्रतिमा में, काले चीते। अपना पल अगला पल एक बार फिर अपने साथ लेकर आया कयामत। उस आदिवासी की मदद करनी है तुम्हें जिसने मुझे चीता नगरी से आजाद किया। जाओ कैसा देश का पुट था चीता राज के स्वर में, कि बिजली बन पापा पानी पर लपके काले चीते। गुर्र अप्रत्याशित ढंग से हुए इस आक्रमण से भला कहां संभल पाया पापा पानी। नतीजा पापा पानी के हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा शेरा। क्रोध का बांध टूट पड़ा था पापा पानी के सीने में। मेरे मुंह से मांस का टुकड़ा छीन लिया है तुमने छछूंद्रो, अब तुम्हें अपना भोजन बनाएगा पापा पानी। किंतु न जाने किस मिट्टी के बने हुए थे काले चीते जिन्होंने भगोड़ कर रख डाला पापा पानी को। आह मार डाला रे, आह मार डाला। दिल दहला देने वाला यह दृश्य देख लेता यदि सिरा, तो शायद हृदय धड़कना बंद हो जाता उसका। आह मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले ना तुमने, अब मुझे दोबारा अपना जिस्म जोड़ना होगा। रहस्य के पटाखे फोड़ते न जाने कहाँ चले पड़े पापा पानी के टुकड़े, अब दोबारा जुड़ने के लिए मुझे उसकी मदद लेनी होगी। लगता आज रहस्यों पर रहस्य बिखरने का दिन था। शहबाज काले चितो समा जाओ मुझ में समा जाओ। गुर समा गए काले चीते चित्तराज की प्रतिमा में, उस आदिवासी को उसमें लाना होगा बेचारा पापा पानी का खौफनाक रूप न देख पाया होगा शायद। अजूबों पर अजूबे किए जा रहा था चित्तराज। सर गजब डारी थी चित्तराज की अजूबेकारी शक्तियां, पानी छिड़कते ही होश आ जाएगा इसे। पानी के ठंडे छींटों ने तोड़ दी शेरा की बेहोशी। आह क्या हुआ था मुझे, बिजली से भी तेज उछला शेरा। पापा पानी कहाँ गया पापा पानी, खून किसका यह खून, कुछ तो जरूर घटित हुआ है या मेरे बेहोश होने के बाद। यदि शेरा वास्तविकता जान लेता तो मारे हैरत के फट पड़ती उसकी आंखें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसका पार्ट वन कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में, महजूबा पार्ट टू, और वो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा इसका पार्ट टू भी प्लेलिस्ट में मावली शेरा का फोल्डर के अंदर। तो मिलते हैं इसके पार्ट टू, महजूबा पार्ट टू।